लोचा हो गया यार इब्रा खतरनाक वाला ब्लॉग बन रहा है भाई। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबको एक और नए ब्लॉग पे। फिलहाल हम निकले हैं लेकिन मंजिल कहाँ है पता नहीं है। मेरा फ्रेंड आया मुझे पिकअप करने के लिए, तो फ्रेंड कह रहा है कि यहाँ पास में तमिलनाडु बॉर्डर के पास बहुत एक अच्छा जगह है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो जाएंगे और उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ में आपको भी दिखाएंगे वो जगह के बारे में, क्योंकि अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं यहाँ पे तो आपके लिए शायद बेस्ट प्लेस हो सकता है वो विजिट करने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, वो सुना है वो अच्छा हिल स्टेशन है। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम है इमरान, इमरान एम, ये यही के हैं बेंगलोर के ही। तो ठीक है चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 12 बजने को, फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यार। तो ये जो हाईवे है, ये जो दिख रहा है ये हाईवे, ये सीधा कहाँ जाता है? तमिलनाडु ना, तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई, यही रोड है, केरला से यही रोड है ना। तो हम मेन हाईवे पे फिलहाल, अभी हम सर्विस रोड पे हैं। तो ये पीछे है बैंगलोर, बैंगलोर सिटी पीछे। फोन का लगा हुआ है फास्टैग, फास्टैग लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, तो डबल पैसा देना पड़ता है, तीन बार अटेम्प्ट हो गया तो क्या। अच्छा तो ये फास्टैग कितना का लगता है, कितना चार्ज लगता है? ये इधर तो 30 का, 30 का। अच्छा 30 रुपये का है, तो ठीक है चलते हैं, लेट्स बिगिन द जर्नी। गाड़ी में क्या हेयर क्या होता है? हेयर होता है टायर का हवा। एयर, वो एयर आप क्या बोलते हो उसको, हेयर बोलते हो एयर बोलते हो? मेरा फ्रेंड हेयर बोल रहा है यार, हेयर मतलब बाल होता है ना, वो दोनों मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका वर्ल्ड ही ऐसा हेयर। पेट्रोल डाला, हवा चेक नहीं किया, हेयर चेक नहीं किया, हेयर हेयर। तो ठीक है, अब हम मेन हाईवे पे एंट्री लेते हैं और यहाँ का हाईवे का थोड़ा सा नजारा आपको दिखाता हूँ। अभी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, लेकिन डिवाइडर के उस साइड पे था, रोड के उस साइड पे, मतलब वहाँ से जो आते हैं ना वो डिवाइडर पे मार दिया था। तो यार बहुत रिस्की है गाड़ी में चलना भी, खतरा हर जगह है दोस्तों। अगर आप भी ड्राइव करें तो सेफली ड्राइव करें, स्पीड में ना चलाएं गाड़ी, सीट बेल्ट हमेशा पहने। अभी अभी यहाँ पे देखा यार, अच्छा नहीं लगा मुझे, टोल आ गया, अब हमारा कटेगा कटेगा टोल कटेगा। अभी एंट्री कर चुके हैं कहाँ पर, तमिलनाडु राइट। तो अभी हम कर्नाटका से तमिलनाडु एंट्री कर चुके हैं, उसके लिए हमको देना होगा चार्ज, जो कि मिनिमम चार्ज है। हमारा कार है तो 30 रुपये का, फास्टैग में 30 रुपये का है, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो डबल लगता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है फास्टैग लगवाना गाड़ी पे, बाइक में भी लगता है क्या फास्टैग? थैंक यू, ये यहाँ पे बोर्ड है, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है तमिलनाडु। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक सा लग गया यहाँ पे, क्योंकि आगे चेकिंग चल रहा है। इतनी गर्मी में ये देश की सेवा कर रहे हैं यार, सैल्यूट है। साउथ पे आए और कोकोनट का पानी ना पिया ये तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं ये भाई कोकोनट काट रहा है। तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, साउथ में कहीं भी आप आओगे ना, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड पी रहा है, कैसा है भाई? बस इसके अंदर का जो क्रीम होता है ना उसको भी खाया जाता है, आप देख सकते हैं भाई काट रहे हैं। और ये छोटा सा साइड में पीस निकला ना, वो चम्मच का काम करेगा, देख स्पून। ओह टेक्निक देखो, सब कुछ नेचुरल।
Your native place? Thank you. Brother, your native place? Assam. And he is from Bangalore. तो दोस्तों ये इसी से बनाया हुआ चम्मच है, इसको ऐसे करके इसका खाएंगे क्रीम। सुपर है, टेस्टी हो गया। तो दोस्तों ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा बिल्डिंग, ये कौन सा पता है? इसका नाम है, आप देख सकते हैं जूम करके, मैं दिखाता हूँ। जूम के पास में जा रहे हैं, चेन्नई सिल्क। देखिए श्री कुमारन थंगमाली गाय, ये चेन्नई सिल्क बहुत फेमस है, इसके बारे में आपने साथ सुना होगा। अबे मॉल है ना ये? हाँ हाँ, ये चेन्नई सिल्क जो है ना पूरा साउथ में पूरा फेमस है, राइट? बहुत आदमी तो साड़ी अगर किसी को साड़ी और तो लुंगी, हाँ लुंगी और साड़ी अगर खरीदना तो यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, लुंगी मेरा फेवरेट है, आऊँगा जरूर। दोस्तों यहाँ पे ना लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है भैया, लैंग्वेज समझ में नहीं आता। क्या बोल ओ ओके 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 ठीक है ठीक है। लोचा हो गया यार, टायर पंचर हो गया गाड़ी का, शिट फ्लैट हो गया। आपने देखा नहीं इसको, आप चला रहे हो यार कैसे से? इब्रा घुमा घुमा, गजब हो गया यार आज तो। चलो ये भी एक यादगार है, घुमा घुमा। नहीं, आपको कैसा लग रहा है जेक उठा के? बहुत अच्छा लग रहा है जेक उठा के, तो ज़्यादा लंबा हो गया, छोटा करो उसको, उसको और दूसरा लगेगा, उसको ये करो ना। ठीक है मैं करता हूँ यार, खतरनाक वाला ब्लॉग बन रहा भाई, गाड़ी ने आज धोखा दिया, कोई बात नहीं। मंजिल इधर ही है, क्या नाम है? दोस्तों आप भी धो लिया और हमने टायर चेंज किया दोनों मिलके, मंजिल इधर ही है, इधर ही जाना है हमको। लेकिन यहाँ एक्चुअली ये तो काफ़ी दूर, काफ़ी डिस्टेंस पहले पंचर हुआ था, हमको मालूम ही नहीं था, तो हमने फाइनली यहाँ पे इसको बना दिया। और हाथ भी बहुत गंदा हो गया था, इतना पानी से हमने दोनों ने हाथ को धोया, पानी का सही इस्तेमाल हमने किया आज। तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी में पानी बोतल जरूर रखिएगा, क्योंकि गाड़ी को भी चाहिए आपको भी चाहिए। चलो इधर से चलेंगे, गाड़ी कहाँ रखेंगे? ये गाड़ी से ही जाएंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये तो ऊपर जाके, तो हम एंट्री गेट पे आ चुके हैं। लेंगे फोन कोई ना, मालक कोई कोई ना, फोन मालक कोई ना, मालक कोई ना, या पने कोई। आंटी लिफ्ट मांग रही थी, हमने लिफ्ट दे दिया, बेचारी इतने धूप में अच्छा काम किया, करना है बा। इनका भाषा लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमको, इतना बोला आगे तो हमने बिठा लिया, थोड़ा थोड़ा इसको समझ में आता है ए और बी, बाकी समझ में नहीं आता है। हो गया, चलो तो चले जर्नी की शुरू करते हैं। पे उतार देंगे, हम भी यहाँ पे उतर जाएंगे, यही है ना? हाँ, पार्किंग कराओ, मैं उतरता हूँ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये पीछे जो मंदिर है, शायद ये मंदिर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है।
तो ये मेरा फ्रेंड अभी गाड़ी पार्क करने वाला। हाँ उधर ही लगा था यार, बहुत धूप है। यहाँ से ना पीछे बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप ज़रूर आइएगा, रिकमेंड करता हूँ आप आइए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था इस जगह के बारे में। ये होसूर में ही है, होसूर से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है ये। तो सीधा आप बेंगलोर में है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में है तो वहाँ से सीधा बस होसूर के लिए मिलता है, आती वेले होसूर। तो होसूर पे आके आप आगे का नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अपना ऑन व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग स्पेस है। और रेस्टरूम अगर जाना है, टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे पेन यूज़ का टॉयलेट रूम भी है। तो आगे वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह का दुकान भी है, प्रसाद वगैरह लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर भी है। तो अगर चलेंगे मंदिर की ओर, दिखाएंगे आपको भी वहाँ का नज़ारा। बहुत बड़ा बड़ा बकरी है यार, बकरा बकरी है यार। ओ भाई साहब कितना बड़ा बड़ा है। मैं ये नीचे सीढ़ी है, यहाँ से हम पैदल नीचे जा सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है। इस साइड मंदिर है पीछे, ये मंदिर है। यहाँ पे ये बंद किया पानी पे, तालाब है क्या पानी है वो क्या हो गया यहाँ पे दिख रहा है नीचे, आपको दिख रहा है तो बताना यार। बेंगलोर पे अगर आप आसपास पे हैं और फैमिली फ्रेंड के साथ आप आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, ज़रूर विजिट करिए, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, ज़रूर आना। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ओनली 45 मिनट्स का रास्ता है ये। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। अच्छा यहाँ फ़ोटो वगैरह चल रहा है, फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो मेरा भाई इधर आया था एक मिला। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तंगदराई। तंगदराई एंड योर? येलुमलाई। माय नेम इज, यू आर फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इन तानासंदर। हियर तमिलनाडु राइट? तुम्हारा शूट करेगा तो ये देख सकते हैं, ये जो पत्थर रख रहे हैं ना, ये मतलब यहाँ का एक मानना है कि आप जितना पत्थर आप ऐसे ऊपर रख सकते हैं आप उतना फ्लोर का आप घर बना सकते हैं फ्यूचर में, भविष्य में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा बनाया है लोगों ने, अब वो एक बहुत बड़ा बनाया है। तो लगता है इसका तो अभी तक तो बहुत बड़ा मकान बन चुका होगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फ्लोर। ओ भाई साहब क्यों ना हम भी बनाए ऐसे एक पहाड़, तो ऐसे घर बनाएंगे हम यहाँ पे। बहुत धूप है यार, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं भी घर बनाता हूँ, ठीक है? मेरा घर बनाने में कौन हेल्प, ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए यार मेरे को। इतना 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर का बनाया, इतना बहुत है। तो चले आगे चलते हैं। हो व्हाट्स योर नेम? हाय, से हाय। माय नेम इज राघवन। से हाय। हाय हाय। ओके ओके डन। हाय चलो आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सुकून है ना, इतना अच्छा नज़ारा है। ओ भाई साहब इमरान आपको शुक्रिया यार, बहुत अच्छा जगह में लेके आए, थैंक यू सो मच, मैंने सोचा नहीं था। वेलकम। ठीक है ये इंगे पोंगो बोल रहे हो, इधर दिखाओ बोल रहे हो, जो इधर आसपास जो दिखा लो के वहाँ पे। ठीक है यहाँ पे ऐसे झूला झूल रहे, बचपना याद आ गया इनको देख के। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आ जाओ सुबह सुबह आके थोड़ा फिटनेस कर सकते हैं। हाँ तो इधर आसपास है। हमारा फोटो सेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारा कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। मेरा हाथ आ गया।
मेरा हाथ आ गया, दूसरा ले लो मेरा हाथ आ गया। दोस्तों यहाँ से ना बहुत अच्छा व्यूज़ है यार, बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकता आपको, आप ज़रूर आइए, अच्छा लगेगा। ये जो सीधा हाईवे जा रहा है ना, ये सीधा चेन्नई, चेन्नई केरला तमिलनाडु सब यहीं से जाता है। आप देख सकते हो बहुत पहाड़ है यहाँ पर, देखिए ये सभी पहाड़ है। इतना जूम तो नहीं है मेरा मोबाइल का, फिर भी आप देख रहे हैं काला काला सा वो पूरा वो पहाड़ है। अभी हम सफ़र करने वाला जंगल का रास्ता है ना, यहाँ पे बहुत जंगल है और कुछ भी मिल सकता है अंदर, हाथी बाघ भालू शेर कपल्स कुछ भी मिल सकता है। तो देखेंगे जाएंगे, ये है हमारा रास्ता, यहाँ से जाएंगे। किधर है रास्ता यार, नहीं दिख रहा ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ जाएंगे। चलो इमरान तुम आगे जाओगे, मैं जाऊँगा। चलो चलो इसको क्या बोलते हो आप? वापस कर ली, वापस कर ली बोलता है। इसको हम बोलते हैं कैक्टस, देखो कैक्टस, इसका दूध निकलता है, दूध निकलता है, खून भी निकलता है। कैक्टस बहुत है, बहुत पीछे पीछे तक कैक्टस है। देखिए आप नज़ारा देख सकते हैं आप, इतना अच्छा लग रहा है। हम फिर उल्टे पांव रिटर्न आ गए क्योंकि होता है लोकल गिरी, यहाँ पे लड़का लोग थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह कर रहे, शायद वो क्या बोल रहे, पौना पौना बोल रहे, हम आ गए चलो भाई बोल के रिटर्न आ गए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जंगल तरफ आपको नहीं जाना है अगर फैमिली फ्रेंड के साथ आते हैं तो। इस साइड में काफ़ी अच्छा जगह है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, आप मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं, और ये जो खुला खुला एरिया है आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, क्या करना आपको पता है? क्या करना है इमरान? लाइक और सब्सक्राइब करो, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करें हाँ, कैसा कमेंट लगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे पहले आ चुके हैं तो वो भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आना चाहते हैं तो भी कुछ लिखिएगा ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। कैसे आना है वो मैंने बता दिया, और चलिए थोड़ा सा नज़र आगे का और दिखाता हूँ आपको, फिर हम चलेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह का था, और ये जो है ना पीछे यहाँ मंदिर है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया मंदिर। आज तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मंदिर हम फिर कभी आएंगे, आप ज़रूर आना मंदिर पे और विजिट करना, और यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। क्या लेंगे, पूरी मिलता है क्या? अच्छा मूरी, हाँ हाँ मूरी को पूरी बोल रहा है ये, मैं समझ में नहीं देखे, हिंदी के मूरी, हाँ हिंदी मूरी। ओ अच्छा अच्छा भैया, अब यहाँ पे आके ये मूढ़ी जरूर खाइएगा, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा 20 रुपीज़ का है ना, अच्छा है ना, अच्छा कैसा है टेस्ट, सुपर है। अब यहाँ पे आइएगा तो ये ज़रूर लीजिएगा आंटी से मैडम से, और ज़्यादा नहीं 20 रुपीज़ का है, चेंज है मेरे पास है, मैं देता हूँ है मेरे पास है। ठीक है हम खा लेते हैं इसको। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, नहीं पीछे इधर देखो कितना अच्छा, और भाई भाई साथ में ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी है। ये मेरा फ्रेंड को क्या हो गया देखो इसको भी खाना है, दे दो यार, ये साला हाथ से ही खा रहा है साला, किधर मार देगा, ये मोबाइल है यार, नीचे दे दो नीचे तुमको नहीं छोड़ेगा अभी तो ठीक है हम भी थोड़ा खा लेते हैं यार, मेरा तो बहुत ज़्यादा है, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं खा ही नहीं रहा हूँ, अभी बकरा को देना पड़ेगा भागो तुम भागो वहाँ से। मूढ़ी वगैरह खा लिया, अब हमारा जर्नी शुरू होता है। गर्मी रे भाई साहब, ऐसे चला था यार थोड़ा, पहले हवा हवा निकलने दो, पहले गर्म हवा। ओ इतना गर्मी, तो आज का वीडियो कुछ इस तरह का ही था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाइएगा,
ताकि इससे ना मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो पे इससे भी अच्छा अच्छा चीज़ जगहों के बारे में आपके साथ एक्सप्लोर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर बार बेटर करूँ अपने वीडियो में, हर अपना जो कंटेंट है हर बार बेटर कंटेंट लेके आऊँ। तो आज का वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारे फ्रेंड को मिस्टर इमरान को, क्योंकि इनके वजह से ही आज मैं यहाँ पे आ पाया। मुझे तो पता भी नहीं था ये जगह के बारे में, सुना तो था होसुर बट कभी आया नहीं था। सो थैंक यू सो मच इमरान। तो दोस्तों ऐसे प्यार बनाए रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। वो खाली सुनिए, बाय बाय।